हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लोकल और सर्वर पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, पूरा ट्यूटोरियल। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से वर्डप्रेस और जैम सर्वर का ऐप दोनों डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस साइट पे जाइए, दोनों साइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन। पहले जैम सर्वर ओपन कीजिए, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट और एक और बार नेक्स्ट। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाएगा तो हम इसे स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट इंस्टॉल जेम पे जाते हैं। फिर वर्डप्रेस की जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसमें से वर्डप्रेस नाम का फोल्डर निकलेगा, उस फोल्डर को कॉपी कीजिए। सी ड्राइव में जाइए, वहाँ पे जेम का फोल्डर होगा, उसमें एच सी डॉक्स नाम का एक और फोल्डर होगा, वहाँ पे इस वर्डप्रेस फाइल को पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे WP कन्फिग सैंपल होगा, उसे ओपन विथ नोटपैड कीजिए। वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन होगा, लिखा हुआ होगा, तो यूज़र नेम हटा दीजिए, जो भी यूज़र नेम आप चाहते हैं वहाँ लिख दीजिए और पासवर्ड को रिमूव कर दीजिए। और सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद इसे क्लोज कर दे, फिर सेम को ओपन कीजिए। जेम को आप ट्रे में से या फिर विंडोज ऐप में से ओपन कर सकते हैं। सर्च जेम, जेम कंट्रोल पैनल आ गया। तो अपाचे और MySQL पे क्लिक कीजिए और दोनों स्टार्ट दे दीजिए, अलाव एक्सेस दीजिए। दोनों स्टार्ट होने के बाद पोर्ट नंबर दिखाएंगे, उसके बाद कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। ब्राउज़र पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिखिए और एंटर दीजिए। यहाँ पे डेटाबेस खुलेगा, यहाँ पे हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, इसलिए डेटाबेस पे जाइए, लोडिंग डेटाबेस नेम, आपको जो नाम नेम रखना है जैसे कि वर्डप्रेस, और क्रिएट, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा टैब खोलिए, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, जो आपने वो फोल्डर का नाम रखा था,
वहीं डालना है और सेटअप ओपन होगा। यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट, कंटिन्यू, लेट्स गो पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो रखना चाहे, यूज़र नेम वही रखिए जो आपने नोटपैड फाइल में रखा हुआ था, जैसे कि मैंने रूट रखा था, और पासवर्ड एम्प्टी रखे क्योंकि मैंने पासवर्ड रिमूव कर दिया था, और सबमिट दीजिए। एंड ऑल राइट्स बाकी रन द इंस्टॉलेशन। सेटअप कॉन्फ़िगर हो गया है। अब यहाँ पे साइट पे जाइए, साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं आप, जैसे कि वर्ड, यूज़र नेम आपने जो रखा हो या फिर जो रखना चाहते हैं साइट के लिए। यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है, चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यही रखता हूँ। ईमेल जो आप रखना चाहें रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये रखा हुआ है मैंने, और इंस्टॉल वर्डप्रेस। थोड़ा टाइम ले रहा है, फर्स्ट टाइम है इसलिए। देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया, लॉगिन करके आप अपनी साइट के एडमिन पेज पे जा सकते हैं। देखिए आ गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अपनी कोई प्रॉब्लम्स हो इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।